अप्पू, एरी अप्पू, देख भोड़ो रखी है, चल जग जा लल्ली। देख, आज स्कूल का पहला दिन है, आज तो कम से कम टाइम से चली जा, कल से तो तूने अपने ही टाइम से जाना है, पता है मुझे। चल जग जा लल्ली, मेरी गुड़िया, मेरी बिट्टी, मेरा पेड़ा, मेरी सोन परी, अरे सकना, अप्पू जग जा, नहीं रह पट खाएगी। अप्पू उठ जा, अप्पू सुन, बासी मत जाइयो, नहा धो के भगवान को प्रणाम करके जाइयो, ऐसे भी भगवान ही तेरा मालिक है। ये टिफिन पन्नी में रखा है, बैग में रख लियो। क्या बनाया है? बैगन। बैगन, पहला दिन और बैगन, कम से कम आलू भी बना देती, एक तो छुट्टी खत्म, ऊपर से ये शुरू। तेरा बस चले तो साल भर छुट्टी बनाए और सिर्फ आलू खाए, चुड़ैल कहीं की। जे रख। 10 रुपए, बड़ी हो गई हूँ मैं। बड़ी नहीं, गड़ी हो गई है तू। चल जे, जे भी रख। तूने मेरा नाम अपेक्षा क्यों रखा? अपेक्षा क्यों रखा, मतलब? अरे ऐसे है ना, तो अटेंडेंस में सबसे पहले मेरा ही नाम आ जाता है, कम से कम जट से रखती, 10 मिनट और मिल जाते मुझे। तो नाम बदल ले, चंडू बम रख ले। चल ध्यान से जाइयो, और अब जग जा अप्पू। प्रिंसिपल यहाँ क्या कर रहा है? 10वीं को मैथ्स यही पढ़ाता है। एक तो ये ऊपर से मैथ्स, डबल सिर दर्द। उसको देख देख देख, उसको देख, कैलकुलेटर साला, कैसे फुल बैटरी चार्ज है उसकी। बच्चों, आखिरकार आप लोग गिरते पड़ते 10वीं में पहुंच गए हैं, हैं? और जैसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही 10वीं के परिणाम ये बता देते हैं कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन है। बच्चों, इस साल का हर घड़ी, हर मिनट, हर लम्हा, हर क्षण आपके लिए सोने से ज्यादा कीमती है। जिसने इसका सदुपयोग किया वो बनेगा लंबी रेस का घोड़ा, और जो वेस्ट किया वो क्या बनेगा? अच्छा। तो बच्चों, आप क्या बनना चाहते हैं? घोड़ा। Say it loud, घोड़ा। 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 Very good. अब मैथ। Hey little island. अब्बू, तू क्या बनना चाहती है? बोल ना बेटी, कुछ तो सोच रखा होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो बोल तो सही। मैं भाई बनूंगी। हैं? क्या क्या बनेगी भाई? देखे कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो भाई की बेटी क्या बनेगी? भाई ना, सिंपल। एक रैपर दुनिया खींच के दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं अपना पेट काट काट के एरिया घिस घिस के दुनिया भर में नौकरानी बनी फिर रही हूँ, इसलिए तुझे स्कूल इसलिए भेज रही हूँ कि तू भाई बने है? भाई बनने का मतलब पता है तुझे? तू कान खोल के सुन ले अप्पू, और दिमाग में घुसेड़ ले, चाहे जो जाए दुनिया में, तू भाई नहीं बनेगी। कुछ पल्ले पड़ रही है तेरे? ऐसे क्या बोल दिया मैंने? चाहिए एक? चंदा, इंसान दो चीजों से बनता है, हैं? या तो किस्मत या मेहनत। ये बात सही कह रही हो आप, और गरीब के पास किस्मत होती तो वे गरीब थोड़े ही होता, है ना? सही, तो बच्ची मेहनत, वही करनी पड़ेगी, हाँ?
अरे पर यही तो दिक्कत है दीदी, आपको मेहनत ही नहीं करनी, बात ही नहीं सुनती लड़की, घोड़ी जैसी बड़ी हो रखी है और खच्चर जैसी जिद्दी। सही लक्षण रहे ना दीदी, तो मुझे तो नहीं लग रही है वो दसवीं पास कर पाएगी। नहीं चंदा, चाहे जो हो जाए उसे दसवीं पूरी करनी ही पड़ेगी। देख मैं तुझे बता रही हूँ, अगर दसवीं में फेल हो गई ना फिर पढ़ाई छूट जाएगी उसकी। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं, तेरी भी छूट गई थी ना। मैं सोच रही थी कि तू कल जो अपनी बेटी के बारे में कह रही थी ना, कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो दसवीं पास नहीं कर पाएगी? उसे कोई वो क्या कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी? मिसेस दीवान तुसी कल आए नहीं, मूड ही नहीं हुआ है? कोई लर्निंग डिसेबिलिटी, वो डिसलेक्सिया या ऐसा कुछ तो नहीं? कौन सी? वो था ना, कौन सी फिल्म थी वो, तारे जमी पर है, उसमें था वो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है कि दिमाग से बिल्कुल ही कंडम है, पूरी सयानी हो रखी है, बाकी दुनियादारी में बड़ा मन लग रही है महारानी का, और दूसरे विषयों में नंबर ले आती है, कम से कम पास तो जाती है, बस ये मैथ्स है दीदी, मैथ्स में लटक जाती है। ओहो, लड़कियों की मैथ्स से पुरानी दुश्मनी है। जब मैथ्स वाला मर्ज ठीक हो जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसे मैथ्स की कोचिंग करवानी चाहिए। तू पैसों की फिक्र मत कर, मेरे पहचान के हैं गुप्ता जी, वो क्लासेस चलाते हैं, उनसे बात करती हूँ। आप कर लोगे बात? लेकिन ये टेस्टिंग भी हो जानी चाहिए डिसकैल्कुलिया की, मुझे शक है। अरे दीदी डिस्फिस कुछ ना है, जिद्दी घोड़ी है और कुछ नहीं। तुझे पढ़ाने के लिए मैं सुबह से शाम तक नौकरानी बनी एड़ियां घिसते रहती हूँ, और तुझे महारानी की तैयार मौज काट रही है और गप्पे लड़ा रही है। तो दोपहर को घर क्यों नहीं आई? मुझे मैगी खानी पड़ी। अपू तुझे सुनाई दे रही है मैं क्या कह रही हूँ? टीवी ने तुझे ना हराम कर दिया, जान मार देने वाले इस टीवी की। वही जो तू रोज बोलती है। दीदी ने कोचिंग क्लास वाले गुप्ता जी से बात की है तेरे मैथ्स के ट्यूशन लगवाने की, और वे आधी फीस माफ करने को राजी भी हो रखे हैं। लेकिन इसके लिए पहले तुझे प्री बोर्ड में कम से कम 50% नंबर लाने हैं मैथ्स में, और कसम है अप्पू तू लाएगी, चाहे जी दुनिया तहसे नहीं हो जाए, समझी? ओ माँ तू पागल तो नहीं हो गई है? और ये मैट्रिक पास करके मैं क्या उखाड़ लूंगी? और वैसे भी अगर मैं मैट्रिक पास भी हो गई तो तेरी हैसियत है मुझे आगे पढ़ाने की? बनना तो मुझे भाई है, तो पढ़ाई का क्या फायदा? एक और बार जो भाई बनने वाली बात बोली ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पढ़ाई में कन्नम है पर मुंह चलाने में नंबर एक। और जो खाड़ लूंगी क्या होता है? दिमाग के साथ साथ जवान भी खराब हो रखी है तेरी, और पागल किसको कह रही है तू? गधी साली। अरे डॉक्टर साहिब, आपको आने की क्या जरूरत थी? आप स्टूडेंट को भेज दी होती बस। मामला जरा नाजुक है। कोई नहीं, आप उसको बुला लीजिए, मैं बात कर लूंगा। किसको? स्टूडेंट को। हाँ चंदा, आओ। ये है चंदा। हाय मैं तेरी सरनेम तो भूल ही गई। सहाय। सहाय, चंदा सहाय। प्रणाम प्रणाम। आपके बच्चे को एडमिशन लेना है, कौन सी क्लास में? वो दसवीं में। मगर मैडम टेंथ तो बोर्ड होता है, तो वो तो नाइन्थ कहाँ से किया है? नवोदय कन्या उच्च विद्यालय, ग्राम कटरा भटियारी शरीफ, तालुका जादूगढ़ी, जिला तो मैनपुरी पढ़ रही है बहुत सालों से। जी जी ठीक है, आप बैठिए। मैडम मैं प्रयास करूंगा इनके बच्चे का एडमिशन हो जाए। लड़का है या लड़की? नहीं नहीं नहीं, लड़का लड़की नहीं, इन्हें एडमिशन चाहिए। इनको चाहिए? जी। कहाँ? यहाँ। इनको दसवीं में यहाँ एडमिशन चाहिए। मतलब ये हमारे विद्यालय में पढ़ेंगी? हाँ। टेंथ क्लास में? हाँ। बच्चों के साथ में? हाँ श्रीवास्तव साहब। असंभव। क्यों? नहीं क्यों, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्यों? मतलब
वयस्कों को पढ़ने के लिए अलग स्कूल है, आप कहें तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये यहीं पढ़ना चाहती हैं। मैडम आखिर ऐसा क्या है हमारे विद्यालय में जो ये यहीं पढ़ना चाह रही हैं? अप्पू अपेक्षा, अपेक्षा शिवलाल सहाय मेरी लड़की है, जही ओ टेंथ वाली है ना, फ्यूज्ड बल्ब है वो। मतलब कभी भी क्या पढ़ाई में बहुत कमजोर है। मैं जानती हूँ सर, पर क्या कर लूँ, माँ हूँ उसकी, अब औलाद जैसी भी भंडो मोह तो लगा ही रहता है और आशा भी तो नहीं छोड़ सकती। सर ट्यूशन बड़े महंगे हैं और वहाँ भी फ्यूज बल्ब के लिए जगह नहीं रहती, सोचा था खुद पढ़ लूँगी तो शायद उसे भी पढ़ा पाऊँ, क्या पता आपके स्कूल से एक फ्यूज बल्ब कम ही हो जाए। किसी को पता नहीं चलेगा सर कि ये मेरी लड़की है और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, कसम है शिकायत नहीं होगी कोई। I respect your thought. मतलब मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, सरकारी स्कूल है दीदी तो। ये आप ही का इंटरव्यू है ना? हाँ शक्ल तो आप ही की है जी। हाँ जब जागो तब सवेरा, सवेरा हाँ। फिर 94 में आया था जागरण दिसंबर। आपकी सरकार भी तो यही कहती हाँ जी, लड़की पढ़ाओ देश पढ़ाओ। या हैं हाँ। आप इसे एक एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं समझते? वैसे आप लोगों ने मुझे घेर लिया है, पर मैडम ऐसा है कि सरकारी मसला है, मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी, बेशक स्पेशल केस है। हाँ तो मैं एक फोन कर लूँ? आप ही का फोन है सर। हाँ हाँ हाँ